हेलो दोस्तों, मैं सोनिका। आज मैं आपको बताने वाली हूँ लड़कों की कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसे देखने के बाद कोई भी लड़की उन्हें खुद प्रपोज करती है। तो आज की वीडियो इससे रिलेटेड है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई लड़की किसी लड़के को देखती है ना, फर्स्ट टाइम जब उसे पहली बार उनसे देखती है, उनसे बात करती है, तो वो सिर्फ उनके लुक्स को या उनकी पर्सनैलिटी को या उनके ड्रेसिंग सेंस के अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे नोटिस करती है, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन पर ध्यान देने के बाद ही वो उस लड़के को हिंट या इशारे करती है कि वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। तो आज की वीडियो इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे पॉइंट की जो कि लड़कियां सबसे पहले देखती हैं, जो है कि बिज़ी रहने के बाद भी उस लड़की को इम्पोर्टेंस फील करवाना। जैसे कि अगर लड़की आपको कॉल कर रही है, आप पूरे दिन बिज़ी रहते हो, ठीक है, तो पूरे दिन बिज़ी रहने के बाद भी अगर वो लड़की कॉल करती है या मैसेज करती है, तो आप अपना काम धंधा छोड़ कर उस लड़की को मैसेज करते हो या उसकी कॉल अटेंड करते हो। तो यहाँ पे आपके इस चीज़ को देखने के बाद लड़की का अट्रैक्शन आपकी तरफ होता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि आपके लिए वो लड़की इंपॉर्टेंस रखती है या मायने रखती है, जिसके लिए आप उसका अपना काम भी छोड़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि इन फ्यूचर में जब आप उस लड़की को मैसेज या कॉल करते हो, तो ज़्यादा चांस होते हैं कि वो लड़की बिज़ी रहने के बाद भी आपकी कॉल अटेंड करे, आपको मैसेज का रिप्लाई करे। क्योंकि नॉर्मली लड़कियाँ ऐसा करती नहीं हैं कि वो अगर बिज़ी हैं, अगर किसी की कॉल या मैसेज आ रही है तो अपना काम करने के बाद ही उनकी कॉल अटेंड करती है या मैसेज का रिप्लाई करती है। पर अगर आप उसे ये दिखा देते हो कि आप बिज़ी रहने के बाद भी उसे इम्पोर्टेंस देते हो, ठीक है, उसके लिए वक्त निकालते हो, अपना काम छोड़कर उसको प्रायोरिटी देते हो, तो यहाँ पे ज़्यादा चांस होते हैं कि लड़की भी आपको वैसे ही रिस्पॉन्स करे या उसका अट्रैक्शन भी आपकी तरफ हो। अगला पॉइंट है लड़के का शर्माना या उसका भोलापन। दोस्तों, ये चीज़ ना एक लिमिट में लड़की को अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा शर्माते हो या बहुत ज़्यादा भोले हो एक तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे लड़की आपको पसंद नहीं करेगी। बट वही चीज़ अगर लिमिट में हो, जैसे कि आप फुल कॉन्फिडेंट हो लेकिन फिर भी लड़की से बात करते समय अगर आप शर्माते हो, हल्का फुल्का आपके अंदर शाइननेस है, थोड़ा सा भोलापन है, तो ये चीज़ ना लड़की को बहुत अच्छी लगती है। इस चीज़ को लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और इसे देखने के बाद ही लड़की आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, क्योंकि ऐसे लड़के लड़कियों को ज़्यादा पसंद आते हैं जो एक तरह से कॉन्फिडेंट भी रहें लेकिन लड़की से बात करते समय या लड़की के सामने थोड़े से शर्माए भी, उनके अंदर जो मासूमियत है, जो भोलापन है, वो दिखाई दे, तो ये चीज़ भी लड़की को बहुत अच्छी लगती है। अगला पॉइंट है कि खुद से प्यार करना। दोस्तों देखो, जब भी आपने लड़की को देखा होगा तो लड़कियों की ना एक खास बात होती है कि वो खुद से प्यार करती हैं, ठीक है, अपनी कदर खुद करती हैं, वो दूसरों से ज़्यादा खुद से प्यार करना पसंद करती हैं, जिसकी वजह से उनका एटीट्यूड अलग ही दिखाई देता है, जिससे वो किसी लड़के के पीछे नहीं भागती हैं, ठीक है। और लड़कों के मामले में भी लड़कियाँ ऐसा ही करती हैं, वो ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं जो अपने से प्यार करें, ठीक है, खुद से प्यार करें, ना कि लड़की के पीछे भागते रहें। तो अगर आप अपने अंदर की ऐसी चीज़ों को नोटिस करते हो, कराते हो किसी लड़की को कि आप अपने आप से प्यार करते हो, सेल्फ की रिस्पेक्ट करते हो, खुद की रिस्पेक्ट करते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लड़की आपको पसंद करने लगे। अगला पॉइंट है रिस्पेक्ट ए गर्ल। दोस्तों, ये चीज़ भी ज़्यादातर सभी लड़कियों को पसंद होती है कि लड़कियाँ ऐसे लड़कों को ज़्यादा नोटिस करती हैं या ऐसे लड़कों को ही अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं जो लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने पार्टनर की ही नहीं, जिस भी लड़की से मिलते हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो लड़की छोटी हो या बड़ी हो या ओल्ड एज हो, हर तरह की, मतलब कि एक वूमेन की रिस्पेक्ट करना, ये चीज़ अगर आप उस लड़की को दिखा देते हो तो यहाँ पर आपकी तरफ ज़्यादा चांस होते हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो आपको पसंद करने लगे, आपको चाहने लगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।